40 में से 40 सीटों पर भाजपा बीजेपी को बुरी तरीके से हराएगी। बता दें कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी पहल एक बार फिर शुरू हो गया है और वो 23 जून को होने वाली बैठक से बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं टटोलना शुरू कर दी है। बता दें कि 4 बार के रहे मुख्यमंत्री जो कि यूपी के मुख्यमंत्री मायावती 4 बार रह चुकी है, चूंकि समझा जाता है कि भाजपा के प्रतिनिधि ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी से भेंट कर इसकी संभावनाएं टटोलना शुरू कर दी है। बता दें कि जिस तरीके से मायावती ने पहले रणनीति शुरू कर दी है कि फिर एक बार बीजेपी को गिराकर फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी यूपी में, तो उसको लेकर यहाँ पे पूरा का पूरा टीम तैयार किया जा रहा है। बता दें कि भाजपा या कांग्रेस किसी ओर से इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है जो कि बैठक होने वाली है पटना में, लेकिन चर्चा गर्मा रही है कि भाजपा सुप्रीमो की तरफ से कांग्रेस को यह पहले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में समझा जाता है कि जिस तरीके से साझेदारी के विकल्प पर विचार करने को कहा गया है, इसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश की 40 में से 40 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का संभावित फॉर्मूला भी भाजपा की ओर से दिए जाने की चर्चा हो रही है। तो देखने वाली बात है कि मायावती कितने रणनीति बनाती है जो कि बीजेपी को बुरी तरीके से हरा पाए, और इधर भाजपा को और जिस तरीके से यहाँ पे सपा नेता अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब की बार फिर सपा सरकार आएगी, और एक बार फिर इधर भाजपा कह रहे हैं कि हम आएंगे। तो देखने वाली बात है कि तीनों में घमासान तबाहियाँ हो चुकी है और आगे आगे देखना है कि होता है क्या। अभी तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।